الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو بزرگو اور میرے بھائیوں, قرآن کریم کی 19ویں پارے کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی ان آیتوں میں اللہ مسلمان مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں کہ میرے بندے ہیں کون. ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں, جگہ جگہ پر اللہ کون میرے بندے ہیں. اور لفظ بھی دیکھو وعباد الرحمن رحمان کے بندے. لفظ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے, رحمان کے بندے. اور لفظ بھی استعمال فرمایا عباد, عبدن سے ہیں, عبدن توازو کرنے والا. لفظ عبدن ہی کا مطلب ہے اللہ پر قربان ہونے والا, جو بات اللہ نے کہی اس کو ماننے والا اور اس پر چلنے والا, یہ عبدن. امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں میں نے اپنے ابو سے سنا, انہوں نے ابو القاسم انصاری سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے
तो कुरान की आयत है सुबहान अल्लजी असरा बे अब्दिही, अब्दुन का लफ्ज है, कहना तो चाहिए सुबहान अल्लजी असरा बे रसूलिही बे नबीही बे हबीबिही, नबी के सारे सिफात को बयान करना चाहिए, लेकिन अब्दुन का लफ्ज है, अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए। मैं आपको तफसीर का हवाला देता हूं, तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा, फरमाया अबुल कासिम अंसारी ने कहा, बहुत बड़े मुहद्दिस कबीर तबी है, फरमाते हैं जब अल्लाह के सामने नबी पहुंचे मेराज में तो अल्लाह ने पूछा नबी तुझे कौन सा लकब दूं मैं, हबीब का, रसूल का, नबी होने का, अपने महबूब का कौन सा लकब दूं? फरमाया अल्लाह मुझे अब्दुन का लकब दो। फरमाया मुझे इतना पसंद है तुमने ये लफ्ज इस्तेमाल किया अब्दुन का, ये मुझे पसंद है, उस आयत में मैं अब्दुन ही का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, सुबहान अल्लजी असरा बेअब्दिही। उलमा फरमाते हैं नबी ने अल्लाह से तवाजु इख्तियार किया तो अल्लाह ने मेराज अता फरमाई, और नबी ने बंदों से का साथ तवाजु इख्तियार किया तो अल्लाह ने कयामत में शफाते कुबरा का हक अता फरमा दिया। इबादुर रहमान, रहमान का बंदा, तवाजु करने वाला। कुरान की आयत उठाकर देखो, लुकमान अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? लुकमान कौन है? हम सुनते रहते हैं लुकमान अलैहिस्सलाम, लुकमान अलैहिस्सलाम। बाज लोग कहते हैं ये नबी थे, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन जमहूर उलमा कहते हैं ये अल्लाह का नेक बंदा था, वली था, अल्लाह का महबूब था और अल्लाह का प्यारा था। कितना प्यारा, कितना प्यारा कि दुनिया वालों को तो उनकी बात पसंद ही आई, अल्लाह को उनकी बातें हिकमत की इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने एक सूरत उतारी और नाम ही रखा सूरत लुकमान, और उसी में सारी लुकमान की हिकमतों को बयान कर दिया। इससे बढ़कर रश्क की क्या बात होगी कि अल्लाह अपने कुरान में हजरत लुकमान की हिकमत की बातें बयान फरमाते हैं। इतना नेक बंदा होगा अल्लाह का। इनके वाकियात बड़े मशहूर है। सिर्फ एक मर्तबा एक गार्डन में काम कर रहे थे, बाग में, ही वॉज वर्किंग इन ए गार्डन। बाग का माली आ गया, कहने लगा एक अनार लेकर आओ। अनार लेकर आए, माली ने जो होता है बाग का बागबान जो होता है मालिक, उसने अनार को खाया तो बड़ा खट्टा था, बड़ा। एक बात की तरफ मैं इशारा, मैं वाकियात सुनाना पसंद नहीं करता हूं, मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूं, लेकिन सुनाने से पहले अल्लाह और नबी कुरान में भी मिसाल बयान करते हैं और अपने हदीसों में नबी मिसाल बयान फरमाते हैं ताकि बात जल्दी जल्दी दिमाग में जाए, घुसे। वैसे भी दुनिया की बातें ज्यादा जल्दी जल्दी घुस गई है तो दीन की बहुत कम कम आहिस्ता आहिस्ता जाती है, तो जरा उसको मिसाल से समझाना पड़ता है ताकि बात जल्दी अंदर जाए। मालिक ने जब अनार को खाया बड़ा खट्टा था, गुस्से हो गया। इतने साल से टेन ईयर्स ही वॉज वर्किंग इन द गार्डन, फ्रॉम टेन ईयर्स यू वर्किंग इन माई गार्डन, और तूने अभी कौन सा फल मीठा है कौन सा खट्टा है पहचाना नहीं। यू डोंट इवन रिकॉग्नाइज विच वन इज वेरी स्वीट एंड विच वन इज सावर, यू डोंट नो दैट एंड यू जस्ट ब्रॉट अ सावर वन। उसने किसने लुकमान हकीम ने फरमाया 10 साल से मैं तुम्हारे गार्डन में काम करने के लिए रहा हूं, चखने के लिए और फ्रूट खाने के लिए नहीं रहा हूं। 10 साल हो गए, खाना तो दूर की बात है, मैंने आपके गार्डन के तोड़ कर क्या नीचे पड़े हुए कभी एक फ्रूट को, खाना तो दूर की बात, चखा तक नहीं है। फिर मुझे क्या पता हो कि कौन सा मीठा होता है कौन सा खट्टा होता है। लुकमान है, अमानत बहुत बड़ी चीज है ना, अमानत बहुत बड़ी चीज है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुमुल्लाह फरमाते हैं मैं अपने शेख की खिदमत में रहा, कितने साल? उनके शेख कौन थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी, बहुत बड़े अल्लाह के वली। पर मैं उनके पास मैं 19 ईयर्स रहा, आई वॉज स्टेइंग विथ हिम फॉर 19 ईयर्स, 19 साल, और मैं खाना पकाता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने शेख के लिए खाना पकाते थे। सुभान अल्लाह, खुश नसीब है वो लोग जिनको अल्लाह वालों की सोहबत और खिदमत मिल जाती है। फरमाया 19 ईयर्स में मैंने कभी
खाना तो दूर की बात है, हजरत की इजाजत के बगैर मैंने कभी एक दाना चखा तक नहीं है। अमानत, मुझे सिर्फ पकाना है, खाना नहीं है, मेरा काम है, वही करता रहूंगा। आज देखो दुनिया में क्या होता है, हराम खाने को बाज लोग हराम नहीं समझते, हलाल समझकर खाते हैं। सारे मसाइल है, मिराज का मसला देखो, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बहनों को मिराज नहीं दिया, हालांकि कुरान का एक चैप्टर एक रुकू अल्लाह पाक ने मिराज का उतारा और उसमें फरमाया ये लोग इनहेरिटेंस है, उसमें भाई है, उसमें बहन है, बहन को कितना है, भाई को कितना है, मैं अल्लाह तुम्हें देने का हुक्म देता हूं। हम कौन आ गए कि जो अल्लाह देने का हुक्म दे उसको हम रोक ले, तो अल्लाह के यहां कितना बड़ा गुनाह होगा। शादी हो गई, इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, शोहर देगा उसको, नहीं, अल्लाह ने पूरा रुकू उतारा। चौथे पारे में अगर तर्जुमा आता हो तो चौथे पारे में सूरतुन्निसा में पूरा रुकू है, रुकू नंबर 2 सूरतुन्निसा का पढ़ लीजिए। अल्लाह ने फरमाया युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं तुम्हारी औलाद के बारे में, तुम्हारे मरने के बाद किस तरह माल तकसीम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग हराम का माल खाते हैं, सुन लीजिए, उसका वबाल 10 पुश्तों तक बाकी रहता है। उसका वबाल है ना, कब तक? हमारे बच्चे तो भुगतते हैं, बच्चे के बच्चे बस सारे के सारे बेचारे परेशान ही परेशान है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया कि जो लोग हलाल माल खाते हैं, अपनी औलाद को खिलाते हैं, हलाल माल कमाते हैं, उसकी बरकत 10 पुश्तों तक बाकी रहते हैं। हां, हम क्या करें, हम क्यों ऐसा करें कि हम हराम का माल 100 पाउंड 1000 पाउंड चलो बहुत बहुत 100,000 पाउंड लेकर के हमने ले लिया, हमने खाया नहीं खाया, उसी पहले मौत आ गई, छोड़ के चले गए, मजे औलाद करे और अजाब कब्र में हमें हो, ये कौन सिखाता है? मजे औलाद करे हराम के माल से और परेशानी कब्र में हमें हो, बहुत खतरनाक अजाब है। कुरान करीम भरा पड़ा है, हदीस बड़ी पड़ी है, वो दुनिया से अपने पेट को जहन्नम बनाकर आते हैं, जो खाया है वही उनके लिए जहन्नम की आग बन जाएगी, कोई चीज अंदर आग बन जाएगी और उसी से जलेगा इंसान। तो तकब्बुर जो इसमें है, लुकमान हकीम की बात में कह रहा था, उन्होंने कुरान में फरमाया जिसकी बात अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, यानी कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाई लुकमान की बात, अपने बेटे से कह रहे हैं ला तमशी फिल अर्दी मरहा, ला तमशी फिल अर्दी मरहा, अकर कर न चल, डोंट वॉक प्राउडली, प्राउड के साथ नहीं चलना है, ला तमशी फिल अर्दी मरहा, अकरफू ना हो, माल है कुछ दिन का है कुछ महीने का है लेकिन तकब्बुर कभी ना करना। ला तमशी फिल अर्दी मरहा, आगे फरमाते इन्नका लन तखरिकल अर्दा, तू जमीन को फार नहीं सकता, तेरे अंदर ताकत नहीं, तू अकर से चलेगा, जमीन फटने वाली नहीं है। वलल तब लुगल जिबाल तूला, और तू ऊंचा ऊंचा होके चलता है, पहाड़ से ऊंचा तू हो नहीं सकता है। ये लुकमान हकीम कह रहे हैं। हां, तकब्बुर और शान उसके लायक है जो मोहताज नहीं होता। हम तो कदम कदम पर मोहताज है, हम तो खाने के मोहताज, हम पीने के मोहताज, खाने पीने के बाद पेशाब पखाने के मोहताज, सोने के मोहताज, चलने के मोहताज, हाथ से पकड़ने के मोहताज, हम गाड़ी के मोहताज, हम औलाद के मोहताज, हम बीवी के मोहताज, हम मकान के मोहताज। तकब्बुर तो उसको लायक होता है जो किसी चीज का मोहताज नहीं है। तकब्बुर तो शान उसकी है जिसका बुढ़ापा नहीं आता। तकब्बुर उसको लायक है जिसको मौत नहीं आती। वो कौन है? अल किबरिया और रिदाई। अल्लाह फरमाते हैं तकब्बुर तो मेरी चादर है,
जो तकब्बुर करता है उसने मेरी चादर को खींचा है, मैं उसको तबाह बर्बाद कर दूंगा। कितना ही तकब्बुर करता रहे, कितना ही तकब्बुर करता रहे, कुरान करीम में बलम इब्ने बावरा का वाकिया खुद अल्लाह पाक ने नकल फरमाया। इसी वजह से दसवें सिपारे में, नौवें सिपारे में बलम इब्ने बावरा का वाकिया अल्लाह पाक ने नकल फरमाया। वतलू अलैहिम नबल्लजी आतैनाहु आयातिना फंसलख मिन्हा फअतबाहु शैतान वकान मिनल गावीन। ओ मेरे नबी, तुम्हारी उम्मत के सामने बलम का वाकिया सुनाओ। अल्लाह कह रहे नबी को, बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा अल्लाह वाला था, नेक आदमी था। अल्लाह पाक ने कुरान में कहा वतलु अलैहिम नबल्लजी आतैनाहु आयातिना, जिनको हमने हमारी आयत दी थी यानी इसमें आजम दिया था। बलम इब्ने बावरा को अल्लाह ने इसमें आजम दिया था, उसको पढ़कर जो भी दुआ करता था वो दुआएं कबूल हो जाती है। आज इसमें आजम किसको कहते हैं भी, बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा सवाल है। उस पर कितनी किताबें लिखी गई है, कोई क्या कहता है। किसी ने कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, इसमें आजम है। किसी ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम, इसमें आजम है। किसी ने कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार, इसमें आजम है। और किसी ने कहा या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन, इसमें आजम है। और किसी ने कहा या दल जलाली वल इकराम, इसमें आजम है। और किसी ने कहा अल्लाह के 99 नेम, इसमें आजम है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल्लाह व बिस्मिकर रहमान व बिस्मिकल बरु रहीम व बिअस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिनहा व मा लम आलम, ये पूरी दुआ इसमें आजम है जो हजरत आयशा ने पढ़ी थी। और किसी ने कहा, एक साहबी ने ये पढ़ा था, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बि अन्ना लकल हमद ला इलाहा इल्ला अंत ला इलाहा इल्ला अंत, ये भी इसमें आजम है। और इसी तरह किसी ने कहा या हन्नान या मन्नान, बहुत सारे इसमें आजम है। एक मुरीद ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, हजरत बताइए इसमें आजम क्या है। हजरत ने कहा बाद में बताऊंगा। मुरीद को हर वक्त हर चीज बताई नहीं जाती है, यहां से मालूम होता है बाद में बताऊंगा। हजरत फरमाते मैं देखता चाहता हूं मेरे मुरीद में तलब कितनी है, इसलिए कि अव्वल वहला में फर्स्ट टाइम यू गिव समवंस हैव नो वैल्यू ऑफ इट, उसके पास इतनी वैल्यू नहीं होती है। बस कुछ अय्याम हो गए, मालूम होता है पहला जमाना ऐसा था कि लोग अपने शुयूख के पास जाते थे हासिल करने के लिए। अब तो ऐसा जमाना आ रहा है कि शुयूख और उलमा मुरीदीन के पास खुशामत करने के लिए जाते हैं, आओ भाई आओ भाई आओ भाई। हकीम उल उम्मत ने बड़ा अजीब बात लिखी है, फरमाया हैदराबाद का नवाब, बादशाह होता है ना अपने जमाने का, हैदराबाद का नवाब, उसने लेकर लिखा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को, हजरत आ जाइए, मेरा बड़ा बंगला है, बेहतरीन खाना है। एक बार कहलाया, हजरत गोल मतोल बात करते रहे, मैं वहां तक नहीं आ सकता, बहुत मशगूल हूं बहुत बिजी हूं, चाहे शायद वो समझ जाएं। फिर उसने खुलकर लिखा हजरत मैं जिम्मेदारी लेता हूं, दावत मैं देता हूं, टिकट के पैसे मैं दूंगा, अब मेरे मकान में रहिए, मैं आपको बेहतरीन खाना खिलाऊंगा। हजरत ने अब खुल करके खत लिखा, देखिए खत में क्या लिखा हकीम उल उम्मत ने, वो भी हकीम उल उम्मत ही थे, हकीम उल उम्मत ही थे। क्या लिखा, अजीब बात सुभान अल्लाह, के इल्म तुम्हारा मोहताज नहीं है, तुम इल्म के मोहताज हो। इल्म तुम्हारा मोहताज नहीं है, तुम इल्म के मोहताज हो। हजरत लिख रहे हैं नवाब को, इल्म तुम्हारा मोहताज नहीं,
तुम इलम के मोहताज हो, अगर तुम्हें जरूरत हो तो थाना भवन आओ, मैं वहां नहीं आऊंगा। मेरी दाल रोटी मुझे मुबारक, तुम्हारी बिरयानी तुम्हें मुबारक। हां, ये बात लिखी। हकीमुल उम्मत एक मर्तबा अपने घर से निकल रहे थे, घर के सामने एक आदमी मलदार अपने खादिम के साथ आ रहा है और हाथ में मिठाई की थैली है। मौल साहब को दंगे ना दिया, लेकिन खुद नहीं पकड़ रहा है, किसको पकड़वाया है अपने। थोड़ा सा करवा लगेगा आपको, मौल साहब क्या बोल रहे हैं ये। हाँ, ये भी थोड़ी इस्लाह की जरूरत है ना, ये तकब्बुर ऐसे घुसे हुए हैं कि हमें परेशान कर रहे हैं अंदर में, हम क्या करें। याद रखो, मैं इसलिए कह रहा हूं, अल्लाह को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कामयाब नहीं होता, कभी कामयाब नहीं। ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी कल्बिही मिसकालु ज़र्रा। क्या कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके दिल में मस्तक सीट, इक्वल ऑफ मस्तक सीट, इफ समवन हैड अ प्राइड, फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, राई के दाने के बराबर। और हमारे तो पूरा जिस्म ही तकब्बुर से, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा हाथ से काम करना तकब्बुर से भरा है। एक आदमी है, मालदार है, हाथ में थैली लेकर आ रहा है, किसके खादिम के हाथ में मिठाई, हजरत को हदिया देने के लिए। हजरत ने देखा, आए गए, सलाम किया, कलाम किया, क्यों आना हुआ। पर मैं बैत होने के लिए आ गया। कहां से आए? बहुत दूर की जगह बताई, नदवा से आगे, बहुत तकलीफ उठाकर आए हैं। हजरत ने फरमाया, मालूम होता है कोई शान वाला है, थोड़ा सा लगता है उसके दिल में तकब्बुर है, इसलिए खुद थैली नहीं उठाता, खादिम को साथ में लाया है और बैत होना चाहता है। हजरत ने कहा, चलो मैं तुम्हें बैत करूंगा, लेकिन अभी मेरा सफर है, तुम मेरे साथ चलो, खादिम को अपने घर भेज दो और ये थैली तुम उठाओ, अभी तुम्हारा हदिया नहीं, बैत होने के बाद कबूल करूंगा। उठाई थैली, उठाओ। यहां से हजरत गए बहुत दूर, चलते चलते फिर वहां गए, चलो यहां तो अभी काम नहीं होगा, इसलिए कि मेरा काम था, यहां नहीं होगा, मुझे और जगह जाना है, चलो थैली उठाओ, चले। चार जगह पर ले गए, दो घंटा उसको चलाया थैली उठाकर। फरमाया हजरत ने, उसके बाद मैंने उसको बैत किया। हजरत कसम खाकर फरमाते हैं, मैंने दो घंटे में उसके दिल से तकब्बुर को ऐसा निकाला कि पूरी जिंदगी नहीं निकल सकता था, दो घंटे में। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही कुतुबुल अकताब का जिन्हें लकब है, वो तो वही जानता है जिनके पास इलम होता है। हम और आप जाहिल लोग होते हैं मेरे जैसा, वो उन्हें काफिर कह देता है, लेकिन वही जानता है कि वो अल्लाह का कितना नेक बंदा था, कितनी मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, उनको कुतुब का लकब क्यों मिला। वही जानते हैं जिनको जिनको हिंदुस्तान के शुयूख ने अपने जमाने का इब्ने हजर कहा है। बैत हो रहे हैं, हाजी इमदादुल्लाह साहब, आप आज नई बातें सुना रहा हूं। कहते हैं ना यार, ये तो सब काफिर है, ये काफिर है, ये कौन है जो कुरान पर चलने वाले। वह इबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना, जमीन पर चलते हैं तो वह तवाज़ु होता है। भूल नहीं जाना, मैं तो चला किधर से, बलाम इब्ने, सर सो गए आप लोग, सुना रहा था ना, बलाम इब्ने बाउरा का वाक्य सुना रहा हूं, लेकिन बात थोड़ी इधर से उधर चली है। अल्लाह डाल देता है मौके पर, वल्लाही मिंबर पर बैठा हूं, कुछ कहना चाहता हूं जो अल्लाह कहलवा देता है, कोई मौजू नहीं होता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अल्लामा रशीद अहमद गंगोही हजरत हाजी साहब के घर में बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उलमा आए हुए हैं, खाना तैयार है, दस्तरखान पर बैठ गए दस्तरखान पर खाने के लिए, तो एक बड़े आलिम ने हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही जो हाजी साहब से बैठ थे, कि जे तुम भी बैठ जाओ ना, चलो ना तुम भी बैठ जाओ, कहते ना तुम भी बैठ जाओ, क्यों खड़े हैं, बैठ जाओ, खाना तो आ चुका है, तुम भी बैठ जाओ। तो वो भी प्लेट लेकर उसी लाइन में सब में बैठ गए। हाजी साहब शेख है, अपने मुरीद से कह रहे हैं, जो अपने जमाने का मुहद्दिस है, कुतुबुल अकताब है, लेकिन बैत है, अपना हाथ दिया है हाजी साहब के हाथ में, अपनी सलाह के लिए, अपने तकब्बुर को निकालने के लिए, प्राइड को निकालने के लिए। ही गेव हिज हैंड इन द हैंड ऑफ हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब। फरमाया, रशीद अहमद, तुम भी बड़ों के साथ बड़े बन चुके हैं, बड़ों के साथ बड़े बन चुके हैं, उठो, प्लेट लो, कोने में खाने के लिए बैठो, प्लेट लो,
खाने के लिए कहां बैठो, एक कोने में, इतना बड़ा मुहद्दिस, मैं और आप समझेंगे यार किसने बड़े मौलवी की, ये तो इंसल्ट कर दिया यार। नहीं, इंसल्ट नहीं, इसलाह हो रही है। क्या हो रही है? इसलाह, वो दिल के अंदर की जो मैं आई एम समथिंग वो निकालना मकसूद है। और उसी के लिए अल्लाह ने अपने नबी को, सारे अंबिया को भेजा है, जिसका जिक्र कुरान करीम में है, वही उज़क्कूना अनफुसहुम। आप मेरे नबी दुनिया में जाइए, कुरान सिखाइए, हदीस सिखाइए, और उनके अंदर की ऊ को निकालिए, वही उज़क्कूना अनफुसहुम, उसके दिलों का और उसके नफ्स का तस्किया कीजिए, उनको पाक कीजिए। जो हमारे उलमा सुलहा इसको पाक कहते हैं, प्लेट को उठाई एक खादिम की तरह, कोने में बैठ गए इतने बड़े मुहद्दिस, और उसके बाद फिर कहा, चाहिए तो था मुझे कि तुम्हें इन बुजुर्गों के चप्पल जहां निकाले हैं, शूज निकाले, वहीं पर बिठाकर खिलाता, लेकिन क्या करूं, चलो यहीं बैठ के खाना खा लो। हजरत जी माफ कीजिए, मिस्टेक हो गई, भूल हो गई, गलती हो गई, मेरे जैसा होता मैं इतना बड़ा मौलवी और मेरा इंसल्ट कर दिया इतने उलमा के सामने, लेकिन क्या कह रहे हैं, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। कोने में बैठ लिया, खा लिया, बस जहर के वक्त लंच खा लिया, असर की नमाज हजरत के पास पीछे पढ़ी, और पढ़ने के बाद फरमा, रशीद अहमद इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अल्लाह ने तुम्हारे दिल से तकब्बुर को मुकम्मल निकाल दिया है, आओ मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, लोगों की इसलाह करने की इजाजत देता हूं। अल्लाह वाले पहचानते हैं किसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर क्या होता है। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, मैंने पहले भी कहा, पहले जमाने में तो अल्लाह वालों के पास जाते थे, अब तो हमको जाना पड़ता है लोगों के पास कि अपनी इसलाह करो। अभी तो बात कर भी लगती है ना, लेकिन हमारे दिलों में जो अंदर में हसद, बुग्ज, कीना और बैकबाइटिंग, सारी चीजें भरी हुई है, हेटरेट, ये सारी चीज को निकालने के लिए हमें रूहानी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जैसे बदन की बीमारियों को दूर करने के लिए हम जाहिरी और जिस्मानी डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह ने और नबी ने अपने कुरान में, अपने हदीस में फरमाया, इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारु अल हतब। अपने दिल से जेलसी, हेटरेट को निकालो, वो तुम्हारी नेकी और नमाज की, रोजे की, ज़कात की, सदका, उमरा, खैरात की नेकियों को इस तरह खत्म करता है जैसे लकड़ियां, आग लकड़ियों को जला देता है और राख कर देता है। ये कौन कह रहे हैं? मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आज तो हसद, मौलवी मौलवियों में हसद, अवाम खवास में हसद, खवास अवाम में हसद, हसद आम हो चुका है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हकीमुल उम्मत बड़ी अजीब बात फरमाते हैं, मैं आज चला हूं तो कुछ कह दूं आखिरी बात। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं, पहले मैं कभी तलबा को बैत नहीं करता था, मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट को उलमा हमारे बैत नहीं करते थे, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि हम तलबा को बैत करते हैं, इसलिए कि अवाम तो अवाम, खवास भी दीन से दूर जा रहे हैं। जिनके दिलों में अभी ईमान की और नबी अलैहि सलाम के तरीकों की जो वैल्यू है वो नहीं है, हजरत खुद फरमा रहे हैं, हकीमुल उम्मत, अल्लाह में समझ नसीब फरमाए। बलम इब्न बाउरा की बात चल रही थी, खैर वक्त भी नहीं है, बलम इब्न बाउरा तो बात चल रही थी, कौन सी भाई, इसमें आजम की है ना, इसमें आजम की बात चल रही कि मुरीद ने पूछा किससे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से, का अभी नहीं बाद में बताऊंगा, फिर कुछ महीने के बाद, हजरत इसमें आजम, फिर बताऊंगा, फिर तीसरी बार का, चलो मेरे साथ समंदर के पास ले गए, कहा मैं तेरा शेख, तू मेरा मुरीद है, मानता है ना, कहा ठीक है जाओ समंदर में, मैं यहां खड़ा होता हूं, मैं जो कहूं तुम्हें चलना होगा, तुम्हें करना होगा, तुम्हें उसको अपनाना होगा, ठीक है। पानी में गए, फरमा अंदर जाओ, फिर गए अंदर जाओ, फिर अंदर जाओ, अंदर जाओ, यहां पानी, यहां पानी, यहां पानी, अब तो मौज में ये डुबकियां लेने लगे, अब बुला रहे हैं, हजरत कुछ तो हाथ दे दीजिए, मैं बाहर आ जाऊं, कुछ तो दुआ कर दीजिए। हजरत ने कहा और अंदर जाओ, अब डूबने की तैयारी है। उस वक्त हजरत को नहीं पुकारा, पुकारा किसको, बोलो ना, अल्लाह को, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले। एक मौज आई और बाहर फेंक दिया। हजरत ने पूछा क्या हुआ, फरमा डूबने की तैयारी, आपने तो मुझे भेजा, कुछ किया नहीं, मैंने अल्लाह को पुकारा। फरमाया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि हर मुसीबत में दिल से अल्लाह को पुकारेगा, वो लफ्ज इसमें आजम है।